दोस्तों, अगर आपके अपने मोबाइल में जीमेल अकाउंट बहुत सारे लॉगिन है, जैसे आप जीमेल को ओपन करते हैं तो वहां पर आपको दिखता होगा कि मैंने ये वाला जीमेल भी लॉगिन किया हुआ है, ये वाला भी लॉगिन किया है, काफी सारे जीमेल अकाउंट आपको अपने मोबाइल में शो होते होंगे। लेकिन आपको फिर अचानक ये भी लगता है कि जो दो तीन जीमेल आईडी आपने लॉगिन की हुई है उनका तो यूज ही नहीं है मोबाइल में, उनको मैं कैसे रिमूव करूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको जीमेल अकाउंट को रिमूव करना बताने वाला हूँ। और जीमेल अकाउंट रिमूव करने के बाद ये नहीं है कि आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, क्योंकि एक तो आप जीमेल अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं परमानेंटली, और आप अपने जीमेल अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं अपने मोबाइल से। डिलीट करने के बाद तो आप उसको कहीं पर भी यूज नहीं कर पाएंगे कभी भी, और लेकिन रिमूव करने के बाद अगर आप अपने जीमेल अकाउंट को इस मोबाइल में यूज नहीं करना चाहते तो दूसरे में यूज कर लेना, कंप्यूटर में यूज कर लेना, कभी भी उसको यूज करना चाहे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, आप अपने जीमेल अकाउंट को अपने एंड्रॉइड मोबाइल से रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ अपने जीमेल अकाउंट को अपने मोबाइल से रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मोबाइल की स्क्रीन सामने देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको जीमेल को ओपन कर लेना है, और जीमेल को ओपन करने के बाद आपके जीमेल अकाउंट कितने लॉग इन है आपको पता लग जाएगा। आपकी प्रोफाइल पर क्लिक किया, यहाँ पर आपके जीमेल अकाउंट सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे, जो जो जीमेल अकाउंट आपके यहाँ पर लॉग इन है। आपको किस अकाउंट को रिमूव करना है पहले उसको देख लेना कि भाई मुझे ये रिमूव करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, नीचे नीचे ऑप्शन दिखेगा मैनेज अकाउंट्स ऑन डिवाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना है मैनेज अकाउंट्स ऑन डिवाइस पर। यहाँ पर आपके जीमेल अकाउंट के जो भी अकाउंट है वो शो हो जाएंगे। अगर आपका मोबाइल कोई दूसरा है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैनेज ऑन अकाउंट्स ऑन डिवाइस का ऑप्शन आपको सभी जीमेल में मिलेगा जो मैंने दिखाया आपको। प्रोफाइल पर क्लिक किया, मैनेज अकाउंट्स ऑन डिवाइस दिस डिवाइस का, इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा आपको देखने के लिए। तो आपको अपने अकाउंट सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे, उस अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है जिस अकाउंट को आप रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं इस अकाउंट को रिमूव करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ से रिमूव अकाउंट का। रिमूव अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर दूसरा आपको ऑप्शन नहीं आता है तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सभी अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएंगे, इसके बाद आपको अपने अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में थ्री डॉट दिखेंगे, मैं यहाँ पर साइड में दूसरा स्क्रीन शॉट लगा दूंगा, मतलब दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लगा दूंगा दूसरे मोबाइल की, क्योंकि उसमें चेंजेस है मुझे पता है। आपको यहाँ पर थ्री डॉट मिलेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको रिमूव अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उस रिमूव अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ से इस मोबाइल से रिमूव हो जाएगा, और उसको आप अगर दूसरे मोबाइल में यूज करना चाहे तो फिर से लॉगिन कर लेना, वो काम करेगा। लेकिन अगर आप डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने के बाद वो काम नहीं करेगा। अच्छा है अगर आप इसको यूज करना चाहें बाद में तो उसको रिमूव कर दो, दूसरे डिवाइस में लॉगिन करना चाहें कर लेना। और दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, एक तो आप गूगल में जाकर भी कर सकते हैं। आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग्स पर क्लिक किया, सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स का, अकाउंट्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी आपको गूगल अकाउंट सभी शो हो जाएंगे, उन गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से भी आपको रिमूव अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करते ही थ्री डॉट पर क्लिक करके रिमूव अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, और नहीं तो सामने भी रिमूव अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जीमेल में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर सेटिंग्स में जाके अकाउंट्स में जाकर गूगल से भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने जीमेल अकाउंट को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, और कभी भी उसको यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, बस जिनको नहीं पता उनको लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी लगेगा। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।